हेलो माय डियर फ्रेंड्स, तो आज हम बात करेंगे क्लास 7 ज्योग्राफी का चैप्टर नंबर फर्स्ट, जिसका नेम है एनवायरनमेंट। तो इसके अंदर हम बात करेंगे कंपोनेंट ऑफ एनवायरनमेंट, कि जो वातावरण है उसके क्या क्या अंग है, अंग क्या है वातावरण के। तो कंपोनेंट ऑफ एनवायरनमेंट हम इस वीडियो के अंदर स्टडी करने वाले हैं। प्लेस, तो एनवायरनमेंट के अंदर कौन कौन सी चीजें आती है और उनके अंग क्या है, अंग क्या है उनके, जैसे प्लेस, पीपल, थिंग्स एंड नेचर दैट सराउंड एनी लिविंग ऑर्गेनिज्म इज कॉल्ड एनवायरनमेंट। तो जो हमारा प्लेस है, जैसे कोई भी प्लेस हो गया, सीकर, उदयपुर, जैसलमेर, तो जैसे आप कोई भी प्लेस मान लीजिए, कोई प्लेस हो गया, कोई पीपल हो गया, जैसे हम लोग हैं, थिंग्स कोई वस्तु है, नेचर जो हमारे आसपास की जो प्रकृति है, प्रकृति जो है तो उसे हम नेचर बोलते हैं। तो जो भी चीज़ हमारे आसपास है तो उसे हम क्या बोलते हैं, उसे हम एनवायरनमेंट बोलते हैं। और जो लिविंग ऑर्गेनिज्म है, जैसे ह्यूमंस हो गए और जो प्लांट्स हो गए, एनिमल्स हो गए, तो ये सभी किसके अंदर आते हैं, एनवायरनमेंट के अंदर। और ये क्या लेते हैं, ये एक लिविंग ऑर्गेनिज्म है, ये सांस लेते हैं। तो लिविंग ऑर्गेनिज्म हम किसको बोलते हैं, जो सांस लेते हैं। तो एनवायरनमेंट जो है उसके भी टू टाइप्स हैं। अब टू टाइप्स कौन से हैं, तो जैसे नेचुरल एनवायरनमेंट, कि जो नेचुरल एनवायरनमेंट है उसके टू टाइप्स हैं, कौन कौन से, एक तो बायोटिक और एक एबायोटिक। बायोटिक क्या होता है, बायोटिक जो जिंदा रहता है, जो ऑक्सीजन लेता है, जो गैसेस हैं तो वो उन्हें लेता है, उसे हम बायोटिक बोलते हैं। और एबायोटिक जो कभी भी मूव नहीं होता, जो ऑक्सीजन नहीं लेता, कोई वो लिविंग ऑर्गेनिज्म नहीं होता, तो उसे हम क्या बोलते हैं, एबायोटिक। तो बायोटिक द वर्ल्ड ऑफ लिविंग ऑर्गेनिज्म, तो जहाँ पे सांस मिलती हो, सांस, जैसे ह्यूमंस बींग्स जो है वो सांस लेते हैं, तो ह्यूमंस बींग्स जो है वो सांस लेते हैं, तो ये सभी किस में आते हैं, ये सभी बायोटिक कंपोनेंट में आते हैं। तो बायोटिक में कौन कौन से आते हैं, तो प्लांट एंड एनिमल। प्लांट एंड एनिमल्स जो है ये किसके अंदर आते हैं, बायोटिक कंपोनेंट के अंदर। और जो एबायोटिक कंपोनेंट में क्या आते हैं, द वर्ल्ड ऑफ नॉन लिविंग एलिमेंट, कि एक ऐसा वर्ल्ड जहाँ पे क्या होता है, जहाँ पे जो लैंड होती है जो कभी मूव नहीं करती, जो ऑक्सीजन नहीं लेती, तो उन्हें हम क्या बोलते हैं, एबायोटिक। और जो ऑक्सीजन जो लिविंग ऑर्गेनिज्म होते हैं तो उन्हें हम बायोटिक बोलते हैं। तो इसका एबायोटिक का एग्जांपल हो गया लैंड। तो जैसे कि आपको मैं एक पिक्चर से समझाता हूँ, जैसे कि मान लो ये यहाँ पे माउंटेन है और यहाँ पे सन है, मान लो यहाँ पे सन है और यहाँ पे कोई बच्चा खड़ा है, तो यहाँ पे कोई स्टूडेंट है और यहाँ पे भी कोई फ्रेंड खड़ा हुआ है, तो यहाँ पे जो ये लोग खड़े हुए हैं तो इनको क्या बोलते हैं, ये सांस लेते हैं, तो ये किसके अंदर आ गए, ये बायोटिक के अंदर। और बायोटिक में सिर्फ ये नहीं आते हैं, क्योंकि जो ह्यूमंस होते हैं इनकी एक अलग कैटेगरी होती है, कौन सी, इनका एक ह्यूमन एनवायरनमेंट अलग होता है। बायोटिक के अंदर क्या होता है, सिर्फ और सिर्फ प्लांट एंड एनिमल्स जो सिर्फ ऑक्सीजन लेते हैं। तो ऑक्सीजन के अंदर आप ऐसे मत मान लेना कि ह्यूमंस है, तो ह्यूमंस भी बायोटिक के अंदर आ जाएंगे, ह्यूमंस बायोटिक के अंदर तो आएंगे, लेकिन उनकी एक अलग कैटेगरी बना दी, जो हिस्टोरियंस थे उन्होंने उनको ह्यूमन एनवायरनमेंट बोलने लग गए। तो एबायोटिक का जैसे हमने एग्जांपल देख लिया, और ह्यूमन एनवायरनमेंट क्या होता है, तो जहाँ पे एक्टिविटीज होती हो, जैसे कोई एक्टिविटी है, मान लो सैंड है, तो सैंड से हम क्या करेंगे, उसको गिली करेंगे, फिर उससे ब्रिक बनाएंगे, ब्रिक को फिर हम हाउस बनाने के अंदर यूज में ले लेंगे। तो जैसे कोई एक्टिविटी हो गई, और कोई क्रिएशन हो गया, कोई इंटरेक्शन अमंग ह्यूमन बींग्स, तो जो भी ह्यूमंस बींग जो काम करते हैं, तो जो ह्यूमन एनवायरनमेंट होता है वो सबसे अलग होता है, और जो ह्यूमंस बींग काम करती हैं तो वो भी बायोटिक और एबायोटिक के अंदर नहीं आता, ये दोनों एक अलग कैटेगरी है, ये नेचुरल एनवायरनमेंट की है, और ह्यूमन एनवायरनमेंट क्या है, ये एक अलग कैटेगरी है। एक्टिविटी, क्रिएशन और जो इंटरेक्शन होते हैं, ये क्या है, ये ह्यूमन बींग्स के अंदर होते हैं। तो हमने थोड़ा बहुत जान लिया कॉम्पोनेंट ऑफ एनवायरनमेंट के बारे में, अब हम आगे बात करेंगे। अब हम बात करेंगे कि जो हमारी जो आपके बुक में जो ये कंपोनेंट ऑफ एनवायरनमेंट की जो टेबल दे रखी है उसे हम
है। तो पहले लिविंग थिंग्स, कि जो लिविंग थिंग्स होती है, जो जिंदा रहती है, तो वो बायोस्फीयर कहते हैं। तो जो ये हमारे नेचुरल कंपोनेंट है, इसे हमें लर्न करना है। तो जैसे लिथोस्फीयर, बायोस्फीयर, एटमोस्फीयर, हाइड्रोस्फीयर, तो ये फोर नेम है, इनका हमें पता रहना चाहिए, क्योंकि इन सभी का ये जो इनका एक हम स्पेसिफिक वीडियो के अंदर इनको हम डिस्कस करेंगे। तो ये हाइड्रोस्फीयर, हाइड्रोस्फीयर माने जो वाटर होता है, पानी होता है, तो उसे हम हाइड्रोस्फीयर बोलते हैं। और एयर, एटमॉस्फेयर, तो एटमॉस्फेयर हम किसको बोलते हैं, जो हवा होती है, हवा को हम एटमॉस्फेयर बोलते हैं। लैंड, और कि जो जमीन होती है, जमीन को हम लिथोस्फेयर बोलते हैं। और जो लिविंग थिंग्स, जो सांस लेती है, जो लिविंग है, जो लिविंग थिंग्स है, उसे बायोस्फेयर। तो एयर, एयर जो हवा होती है, वाटर जो पानी होता है, लैंड जो जमीन होती है जहाँ पे हम क्रॉप जो है वो ग्रो करते हैं, और जो लिविंग थिंग्स जो बायोस्फीयर जैसे हम लोग हैं। और ह्यूमन मेड, कि जो ह्यूमंस हैं उन्होंने कौन कौन सी चीज़ें बनाई हैं। तो जैसे बिल्डिंग, तो जो बिल्डिंग्स है वो किसने बनाई है, ह्यूमंस ने बनाई है। पार्क, पार्क भी ह्यूमंस ने बनाया है। ब्रिज, रोड, मोनोमेंट और इंडस्ट्री, तो ये सभी किसने बनाई है, ये सभी जो चीज़ें हैं वो ह्यूमंस ने बनाई है। जैसे बिल्डिंग, पार्क, ब्रिज, रोड और मोनोमेंट इंडस्ट्री, तो ये सभी ह्यूमंस ने बनाई है। और ह्यूमन, तो जो लोग हैं वो क्या क्या हैं, वो कैसे रहते हैं, उनका रिलीजन क्या है, वो हम यहाँ पे देख लेते हैं। जैसे इंडिविजुअल, कोई तो एक इंडिविजुअल अकेला आदमी होता है, और एक क्या होता है, एक फैमिली की, एक उनकी कोई फैमिली होती है, उनकी कोई कम्युनिटी होती है, उनका कोई धर्म होता है, उनका कोई रिलीजन होता है, उनका जो एजुकेशन होता है, एजुकेशन जैसे मैं आपको ये पढ़ा रहा हूँ, तो ये क्या है, ये एक एजुकेशन है। तो एजुकेशनल कैसा है उस वुमन का, इकोनॉमी कैसी है वहाँ की, और पॉलिटिकल सिचुएशन, कि वो जो भी आदमी है तो वो उसकी पॉलिटिकल सिचुएशन क्या है, वो कौन सी ड्यूटी करता है, उसका क्या काम है, तो ये सभी जो है ये पॉलिटिकल सिचुएशन के अंदर आती है। तो हमने हमारी ये वाली जो टेबल थी उसके बारे में हमने डिस्कस कर लिया। तो ये जो हमारा फर्स्ट टॉपिक था ये हमने कंप्लीट कर लिया, कंपोनेंट ऑफ एनवायरनमेंट। तो इसके अगले वीडियो में हम जो हमारे अगले टॉपिक है उनको हम डिस्कस करेंगे। इफ एनीबडी हैव एनी टाइप ऑफ डाउट, एनी टाइप ऑफ क्वेरी, देन प्लीज आस्क मी इन द कमेंट्स। टिल देन स्टे कनेक्टेड, कीप लर्निंग। थैंक यू वेरी मच।